हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री जीके के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 14 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और 14वां चैप्टर था अधातुएं और उनके यौगिक। इसमें बात करने वाले हैं मानव निर्मित पदार्थ। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी लेक्चर हम लोग खत्म करते जा रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, जनरल साइंस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में। ठीक है, चलिए मानव निर्मित हम लोग पदार्थ देखते हैं। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध किस पत्थर से बना? तो आपको याद रखना है, ग्रेनाइट। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध किस पत्थर से बना है? ग्रेनाइट। दिल्ली का लाल किला और फतेहपुर सिकरी किस पत्थर से बना है? बलुआ पत्थर। रंगीन कांच बनाने के लिए कौन सी धातु लवण मिलाए जाते हैं? कोबाल्ट लवण, बैगनी नीला, फेरस ऑक्साइड, पीला हरा, क्रोमियम और क्रोमियम लवण, क्रोम हरा या पीला रंग। ये पदार्थ हैं, एक कांच का रंग, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा, सिलीनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट यह पित्ती दीप्ति सील पीला। ठीक है, फिर पिगलीटिन धातु की परत पर पिघले कांच की परत को फैलाकर कौन सा कांच बनाया जाता है? याद रखिए, पट्टिका कांच। ठीक है, वायुयान में कौन से कांच का उपयोग किया जाता है? स्तरिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच में स्वयं ही गहरा रंग हो जाने का गुण किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? सिल्वर आयोडाइड। कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस कांच द्वारा किया जाता है? लेड क्रिस्टल कांच। पानी को गर्म रखने वाली बोतल में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? कांच की रुई। सिरामिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कारामोस अर्थात कुम्हार की मिट्टी। जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो सीमेंट के पदार्थ आपस में क्रिया करके कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का मिश्रण बनाते हैं, यह विभाग क्या कहलाता है? कंक्रीट। सिक्का धातु में धातुओं का प्रतिशत होता है 75% तांबा और 25% निकेल। वेल्डिंग करने के लिए किस गैसों का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस का मिश्रण। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? फॉस्फीन गैस। मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही है सिल्वर नाइट्रेट। लाल दवा किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। परावैगनी किरणों को किस कांच के द्वारा रोका जा सकता है? कोक्स कांच के द्वारा, याद रखिए। अब बात करते हैं आविष्कारक, और ये आविष्कार हैं और ये आविष्कारक एवं खोजकर्ता ये वर्ष हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आर्सेनिक कौन सा है। आर्सेनिक इसकी खोज की थी मैग्नस ने 1250 में, फिर वोनसन वर्नर ए रॉबर्टो विलहेम वोनसन ने की थी इसकी खोज जर्मनी ने 1841 में, नियोन लेम जॉर्ज क्लाउड ने की थी फ्रांस के थे 1910 में, नायलॉन वालेस कैरोथर्स अमेरिका के थे इन्होंने की थी 1937 में, स्टील हेनरी बेसेमर बैटन के 1850 में इन्होंने खोज की थी, फिर सिलू लाइट अलेक्जेंडर पार्कस ने बैटन के हैं 1861 में की, सेफ्टी मैच जॉन वाकर हैं बैटन के 1826 में की, पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ आस्पडीन बैटन के 1824 में की, टेरिलिन विनफील्ड व डिक्सन बैटन के 1941 में की, बिल्डिंग मशीन विद्युत
एलिसा टॉम्पसन अमेरिका के हैं। इन्होंने 1877 में की प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस वेटन के हैं। 1862 में पाश्चुरीकरण लुइस पाश्चर फ्रांस के हैं। 1867 रियान सर जोसेफ स्वान बेटन ने की। 1883 में रबर फॉर्म डन लव रबर कंपनी ने की, बेटन की है। 1928 में रबर टायर थॉमस हॉनकॉक बेटन ने की। 1846 में ठीक है रबर टायर देख लिए। रबर जलरोधी चार्ल्स मैकिन टॉस ने की, ये बेटन की है। 1823 में की थी। रबर वाल्किनी के चार्ल्स गुड़ी डियर ने की, अमेरिका के हैं। 1841 में लिनोलियम फेडरिक वाल्टन ने की, बेटन की थी। 1860 में नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। 1772 में सक्रिय नाइट्रोजन आर जे स्टेट ने की। 1910 में अमोनिया एफ जी हेबर ने की। 1908 में हाइड्रोक्सिल अमीन लॉसेन ने की थी इसकी खोज। 1865 में फॉस्फेरस ब्रंड ने की इसकी खोज। 1674 दिस दियास लाई घर्षण जे वाल्टेयर। 1827 में दियास लाई निरापद वोटगर ने। 1843 फॉस्फीन जेंजेम्बरी 1783 में वेनेडियम सेफ स्टोन। 1830 ऑक्सीजन जे पिस्टल पिस्टले 1774 रेडियम मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी। 1898 रेडान अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1899 में सेलिनियम बर्जिलियस। 1817 में क्रोमियम वैक्वेलिन 1797 में ठीक है। फिर न्यूट्रॉन चैडविक ने की। 1932 क्लोरीन सेले 1774 ब्रोमीन बिलायड। 1826 में आयोडीन बी कॉडोटोइस। 1811 मैग्नीज गान ने की इसकी खोज। 1774 हैवी हाइड्रोजन एस सी यूरे 1932 एयर कंडीशनर डब्ल्यू एस कैरियर 1911 द्रव ईंधन चलित रॉकेट गोडार्ड 1926 में ठीक है। अब कुछ और हैं आविष्कारक और उनकी ये आविष्कार हैं आविष्कारक हैं वो वर्ष ठीक। इरिडियम इसकी खोज की थी सी टेनेंट। 1803 सीरियम बर्जिलियस व अन्न ने की इसकी। 1803 में वायुदाब टोरिसेली 1643 में। फिर गैसों के नियम रॉबर्ट वाइल 1662 परमाणुवाद जॉन डाल्टन 1802 गैसों का संयोजन गैस लुसाक 1808 विद्युत अवघटन के नियम माइकल फेराडे 1833 गैसीय अणु एवोगैड्रो 1811 रेडियो एक्टिविटी बेकुरल 1896 अल्फा और बीटा कण रदरफोर्ड। 1899 रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत रदरफोर्ड और सोडी 1903 परमाणविक नाभिक रदरफोर्ड। 1911 में परमाणु की संरचना नील्स बोर। 1913 में परमाणु विखंडन ओटो हान। 1938 में रासायनिक बंद फोलिंग। 1939 में विद्युत बैटरी वोल्टा। 1800 में फोटोग्राफिक नेगेटिव विलियम फॉक्स टालबोट। 1835 स्टील फर्नेस हेनरी बेसिमर 1856 में ठीक है। फिर संश्लेषित रंजन विलियम पार्किन 1856 गैस वर्निंग इंजन 18 लोनोइर 1860 में शुष्क सेल बैटरी लेक लांसे
1866, रेफ्रिजरेटर कार्ल वॉन लैंडे 1879, न्यूमेटिक साइकिल टायर जॉन डनलप 1888, विद्युत संचालक बैटरी गास्टन प्लांट 1891 में, आयल वर्निंग इंजन रोडोल्फ डीजल 1892 में, जेट इंजन फ्रैंक हिटल 1930 में, वेकिलाइट लियो एच वेकलैंड 1907 में, पेट्रोल कार कार्ल बेंज ने इसकी खोज की आविष्कार 1888, सेल्यूलॉइड अलेक्जेंडर फॉक्स 1861, फाउंटेन पेन लुई ई वाटरमैन 1884, फिल्म चलचित्र लुईस पेंस 1885, बोलती फिल्म जे इंगल जे मुसेला व एच बुक्त 1922 में, फिल्म संगीत ध्वनि ली डे फॉरेस्ट ने 1923 में, ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन 1878, स्टेनलेस स्टील हैरी बेरले 1913 में, एल्यूमिनियम एच सी ओरसेड 1827, परमाणु संख्या हेनरी मोसले 1913, फिर मैग्नीशियम एस हम्फी डेवी 1775, निकेल इसमें एक कॉन्सिटेंटेड 1751, ओजोन किस्पियन स्कोन बैन 1739, ठीक है, प्लूटोनियम जी टी सी फॉर गिटेल 1940, सिलिकन जॉन वर्जिलियस 1824, यूरेनियम मार्टिन किलाप रॉथ 1841, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग बहुलक, ये रेखीय बहुलक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग होते हैं क्रॉस बंधित बहुलक, ये थर्मोप्लास्टिक हैं। दुर्बल वांडरवाल्स अंतरराडिक बलों के कारण एक गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, और थर्मोसेटिंग ये रासायनिक क्रॉस बंधन के कारण एक गर्म करने पर पिघलते नहीं है। थर्मोप्लास्टिक पिघलते हुए बहुलक को इच्छित आकृति में ढाल सकते हैं, इसे गर्म करने पर पुनः ढाला जा सकता है, और थर्मोसेटिंग यह गर्म करके दोबारा ढाला नहीं जा सकता, यह प्रयास ढलने के समय क्रॉस बंध विकसित होने के कारण कठोर हो जाते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन टेफ्लॉन तथा पीवीसी है, और थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण है गिल पटल्स फॉर्मल्डिहाइड रेजिन तथा बेकिलाइट आदि, ठीक है। आगे बात करते हैं डेनेचर्ड स्पिरिट किसे कहते हैं, 4% मेथिल एल्कोहल, सूक्ष्म मात्रा में एसीटोन एसीटोन पेरिडिन तथा कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट। दर्पण के रजतीकरण में किसका उपयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तेजोरियां किससे बनाई जाती हैं, मैग्नीज इस्पात से। विद्युत खम्भे किससे बनाए जाते हैं, ढलवा लोहे से। स्फिंग बनाने में कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है, कोमो वेनेडियम नामक मिश्र धातु। जो दहन करने पर अत्यधिक ऊष्मा व तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाते हैं, विस्फोटक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने। याद रखिए इसी इन्हीं की याद में अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। गन पाउडर की खोज किसने की, रोजर बेकन ने। प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहते हैं, RDX। PTN क्या है, संवेदनशील विस्फोटक। डिस्पोजेबल सेरेंज किस बहुलक द्वारा निर्मित होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात करते हैं पेंट वार्निश में अंतर, पेंट और यह है वार्निश। यह लेप की गहरी सतह को अपारदर्शक सतह से ढक लेती है, फ्रेंड। और वार्निश
इससे लेप की गहरी लेप की गई सतह पारदर्शक एवं चमकदार होती है। फैन की बात करें तो इसकी सतह पर वायु नमी ऊष्मा तथा सूर्य विकास का प्रभाव अत्यंत कम होता है। वार्निश की बात करें तो इसकी सतह पर इन कारकों का प्रभाव अधिक होता है। फैन की बात करें तो इसका प्रयोग खुले वातावरण में रहने वाली धातु तथा लकड़ी की बाहरी सतह पर किया जा सकता है। वार्निश का इसका प्रयोग घरों के अंदर रहने वाले फर्नीचर पर उपयुक्त रहता है। ठीक है, ये मदरा स्रोत हो गए और एल्कोहल की प्रतिशत आयनित रूप जैसे क्लेरेट अनाशुद मदराएं क्लेरेट अंगूर का रस है। इसमें एल्कोहल की प्रतिशत आयनित रूप होता है 7 से 13। पोर्ट अंगूर का रस है 15 से 24। ठीक, शहरी अंगूर का रस है 18 से 24। सैंपेन अंगूर का रस 8 से 10। सीडर सेब का रस 3 से 6। बियर जो 3 से 5। आसुत मदराएं हिस्की बिस्की जिसे बोलते हैं जो 40 से 50 होता है इसका एल्कोहल की प्रतिशत आयनित रूप में। ब्रांडी आंडू सेब चेरी का होता है 40 से 50। होलैंड हालैंड राई 40%। रमन सीजा सिरा 40 से 45%। जिन जो 40 से 45% इसमें एल्कोहल की प्रतिशत होती। कृत्रिम हृदय बनाने में किसका उपयोग करते हैं? पॉली यूरीथेन। ठीक है, यूरीथेन। गन कॉटन क्या है? विस्फोटक पदार्थ। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। प्राकृतिक या संश्लेषित रेजिन किस्पेट या तेल में विलयन को क्या कहते हैं? वार्निश। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? रेसेदार कांच का। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कागज मुख्यतः किससे बनता है? शुद्ध सेलुलोज से। BaOH2 को क्या कहते हैं? पेराइटा वाटर। बाथ सॉल्ट किसे कहते हैं? Na2CO3 NaHCO3 .2H2O। हेयर साल्ट किसे कहते हैं? Al2SO4 3 .18H2O। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सा रेशा संश्लेषित किया गया? नायलॉन। टूथपेस्ट बनाने में किस फॉस्फेट का प्रयोग होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। चूने की बुताई में उत्पन्न चमक किसके कारण होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। RDX में तापमान व गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम का चूर्ण। प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त होता है? एक प्रकार के वृक्ष हीविया ब्रेसिलेंसिस। नायलॉन शब्द किससे मिलकर बना है? न्यूयॉर्क से NY तथा लंदन से LON। कृत्रिम रेशा का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फ्रांस में सेल्यूलोज नाइट्रेट से। प्राकृतिक कपास की कार्बन डाइसल्फाइड तथा कास्टिक सोडे की क्रिया द्वारा तैयार बहुलक को क्या कहते हैं? विस्कोस रियोन। रियोन किसके द्वारा प्राप्त होता है? सेल्यूलोज द्वारा। शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? रियोन। रिएक्शन क्या है? कृत्रिम चमड़ा। एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिथोलिक अम्ल की क्रिया में से कौन सा बहुलक है? टेरिलीन। ओरलान को किससे बनाया जाता है? विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से। साधारण ताप जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वसा। ये बहुलक हो गए, संगठक मोनोबर हो गए, उपयोग हो गए। ठीक है, बहुलक और उनके संगठक और एवं उपयोग, जैसे पॉलीथ्रीन इसका संगठक है एथिलीन, इसका उपयोग होता है थैलियां ट्यूब पैकिंग सामग्री बनाने, PVC
विनाइल क्लोराइड इसका बरसाती सीट कवर पतली चादरें तथा बिजली के तार बनाने में उपयोग होता है। पॉलीस्टाइरीन एस्टाइरीन इसका उपयोग होता है रेडियो व टेलीविजन कैबिनेट तथा बोतलों की टोपियों को बनाने में। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोथिलीन में इसका उपयोग होता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में। प्रोपाइलीन इसका संगठक है ट्यूब बनाने में इसका उपयोग होता है। नॉयलोन H2N तथा H2N CH2 H6NH2 तथा HWC फिर CH2 कोष्टक 4 COOH वस्त्र बनाने में। टेरिलीन का उपयोग वस्त्र बनाने में। फिर रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक सूत्र, ये व्यापारिक नाम हो गए, ये रासायनिक नाम हो गए, ये सूत्र हो गए, ठीक है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका सूत्र है NaHCO3। फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का 23% विलयन, इसका सूत्र है HCHO। अंगूर का सत, इसका रसायन नाम है ग्लूकोज C6H12O6। चिली साल्टफीटर सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र है NaNO3। कार्बोनिक अम्ल फिनॉल है इसका रासायनिक नाम C6H5OH। एल्कोहल इसका रासायनिक नाम है एथिल एल्कोहल C2H5OH। नमक का अम्ल है हाइड्रोक्लोराइड HCl है इसका सूत्र सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना बिना बूझा कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO। लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड PbO3O4। मुरेटिकम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक, और पढ़ते रहना। जैसे सिलेट हो गया, सिल्का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना, ठीक, इन्हें देख लेना। जैसे मंड है, स्टार्च हो गया इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र होगा C6H10O5। यहाँ नीला थोता होगा कॉपर सल्फेट बोलते हैं CuSO4। जैसे लेजार्थ हो गया लेड ऑक्साइड बोलते हैं PbO। ये सिरका हो गया तनु एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ग्लिसराइड द्रव अवस्था में होते हैं क्या कहलाते हैं, तेल। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, यह प्रकृति में इस्पेप्सो माइट के रूप में एप्सम के गर्म झरनों में मिलता है। मैग्नीशियम एल्बा क्या है, यह एक पित्ती अम्ल है। सोरेल सीमेंट क्या है, MgCl2M5MgOXH2O। सोरेल सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है, दांतों को भरने में। हरा कशिश क्या का क्या उपयोग है, भोजन में लोहे की कमी को पूरा करने के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। फेरिक ऑक्साइड का मुख्य क्या उपयोग है, यह रक्त का स्कंदन धक्का बनाने में उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, कीटाणुनाशी के रूप में। चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोलने पर क्या बनता है, लूनर कोस्टिक। बोटरों की उंगली पर किस रसायन से निशान लगाए जाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता है, चांदी की चम्मच अंडे में उपस्थित गंधक से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो चम्मच को नष्ट कर देता है। सर्वप्रोधी सुई बनाने में किस धातु के यौगिक का उपयोग होता है, ऑरिक क्लोराइड। फल्मनेटिंग गोल्ड बनाने में किसका उपयोग होता है, ऑरिक क्लोराइड। कोरोसिव सबली
मेड का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। चूहे के विष के रूप में किसे उपयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, तो ये था हमारा 15वां चैप्टर। बात करेंगे 16वें में विलयन। ठीक है।